नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोदिया थाना अंतर्गत एक लूट का मामला सामने आया, जहां रेत व्यापारी के साथ लूट की गई है। रेत व्यापारी के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और इसके बाद इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। दमोदिया थाना अंतर्गत जलपुर नाके के आगे सूरज ढाबा के पास रेत का ट्रक खाली करा रहे मंजीत राय के ऊपर हमला किया गया, जो कि बेलाताल दमोह के सिविल वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं। उनके ऊपर यह जानलेवा हमला किया गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। रेत व्यापारी का कहना है कि लगभग 35 से 80 हज़ार रुपये नकद और सोने की अंगूठी लूट ली गई हैं। गुफरान एवं नाम के युवकों के ऊपर लूट का आरोप है। साथ ही उनके जो अन्य सदस्य थे उनके द्वारा भी इस लूट की घटना में मदद की गई और मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से लूट की वारदात हुई है, आइए जानते हैं पीड़ित से। गाड़ी खाली करवा के आ रहे थे बाईपास से, तो उन्होंने बल्ला मारा चलती गाड़ी में, तो हम गिर गए। तो सोने की अंगूठी ले गए और चेन ले गए और 60-70 हज़ार गाड़ी खाली करवा के आ रहे थे, कैश रखा था वो ले गए। मुआवजा लिए थे दो लोग, एक गुफरान था और एक कोई और साथ में। किस वजह से झगड़ा हुआ, क्या कर रहे थे आप? हम तो गाड़ी खाली करवा के आ रहे थे भैया रेता के। कितने लोग थे? 5-6 लोग थे भैया। वो कैसे मारा है आपको? तलवार लिए थे दो लोग, माउजर लिए थे और बेसबॉल का बल्ला और क्रिकेट बैट लिए थे, मारते रहे। और फिर भैया आए जब तक भीड़ जमा हुई, जब तक ले ला के सब भाग गए। क्या क्या सामान चला गया आपका? अंगूठी ले गए, मुझे उंगली काट गए और चेन ले गए हाथ की। कितना पैसा नगद ले गए? 60-70 हज़ार रुपये थे। क्या नाम है जिनने मारा है? एक गुफरान कसाई है और एक बाबू करके है और 4 लोग या 3 लोग और थे और एक कोई दाढ़ी वाला बड़ा वो था, कोई मुल्ला जी टाइप। कहाँ की घटना है ये? अपने बाईपास की, जबलपुर नाके बाईपास की, सूर्य ढाबा की थोड़ा सा। दमोदिया थाना अंतर्गत इसी तरह की एक लूट हुई थी, सरेआम लूट हुई थी, लेकिन आज तक लुटेरे नहीं पकड़े गए। देखने लायक होगा रेत व्यापारी के साथ घटना हुई है, इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई दमोदिया थाना पुलिस कर पाती है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।